सो हेलो एनिमे डूड्स, तुम लोग कैसे हो। तो गाइस आज हम लोग बात करेंगे पोकेमोन की, जो मतलब जो दो विलेन होते हैं ना, मतलब जेम्स और जेसी। तो हम आज बात करेंगे जेसी जेम्स की वाइफ कौन है, मतलब वाइफ कौन है। इसे गूगल ने ऑफिशियली कन्फर्म किया है, तो इसे एक एपिसोड में हमें पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया था कैसे क्या, तो हम लोग वही डिस्कस करने वाला। और मैं सीधे सीधे ही बोलता हूँ, कोई घूम फिर के बोलता नहीं हूँ, तो अभी बहुत बकवास कर रहा हूँ। तो जल्दी शुरू करते हैं उनकी वाइफ को। तो यार बहुत सारे लोग सोचेंगे कि उसका वाइफ ज़रूर जेसी होगी, जेसी। तो जेसी नहीं है, तुम लोग अगर गलत सोच रहे हो, जेसी नहीं है। तो जल्दी जल्दी इस रिवेल को शुरू करते। तो ये है जेम्स की वाइफ। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैंने जब माना पोकेमोन जेम्स की वाइफ, तो यहाँ पे ये देखो, ये है ये फोटो, ये है जेसीबेला। तो तुम्हें एक एपिसोड में ज़रूर याद होगा जब जेम्स के मॉम डैड ने उसकी शादी जेसीबेला के साथ तैयार की थी। तो भले ही उसकी शादी उसके साथ नहीं हुई, पर उसे वाइफ माना जाता है गूगल के हिसाब से। पर अगर हम लोग बात करें रियल लवर की, तो उसे जो उसे पसंद है, तो असल में मैं बात करूँ तो उसके असल लवर है जेसी। हाँ तुम लोग सही सुन लो, जेसी। क्योंकि हमें एनिमे में सिर्फ जेसी के साथ ही उसका ज़्यादा मतलब ताल्लुक दिखाया गया, और जेसीबेला मतलब इतनी नहीं दिखाई गई। जेसीबेला सिर्फ एक एपिसोड में दिखाई गई थी और कभी भी नहीं दिखाई गई, तो ऐसा पता लग सकता है कि जेसी उसकी असली मतलब लवर है। बट हमें गूगल से ये पता चल रहा है कि जेसीबेला उसकी वाइफ है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बिस्मिल्लाह, अल्लाह खुदा हाफिज़।